राघोपुर थाना क्षेत्र के देवीपुर पंचायत के पट्टी गांव के लगभग 25 परिवार दबंगों के आगे बेबस हो चुके हैं। दबंगों के कहर के चलते ये परिवार अपने अपने घरों में कैद हो चुके हैं। इस मामले पर पीड़ितों का आरोप है कि पैक्स चुनाव में वोट नहीं दिए जाने से दबंग नाराज थे, इसलिए उन्होंने रास्ता बंद कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि वो इस गांव में कई सालों से रह रहे हैं, लेकिन कभी विवाद नहीं हुआ है। इस बीच 14 दिसंबर को पैक्स चुनाव का रिजल्ट आया, जिसमें उसके पड़ोसी हार गए, जिससे ठीक अगले ही दिन हारे हुए उम्मीदवार ने करीब 25 परिवार का रास्ता बांस बली से घेर कर रोक दिया। इसकी शिकायत जब पुलिस में की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालात वैसे के वैसे ही हैं। पैक्स का चुनाव हुआ है ना, उसका गिनती जो हुआ है 13 तारीख को, उसके बाद 15 को जो इलेक्शन में गिनती हुआ, उस दिन से हम लोगों को रास्ता बंद कर दिया है। लगभग 25 घर इस रास्ता से जाता आता है, और 100 वर्ष से कम ये रास्ता हमारा परदादा और जो था तबे से ये रास्ता है, और उस दिन से हम लोगों को इसमें जाने आने के लिए बाधित है। और हम वो लोग दमंग है, इसलिए हम लोगों को ये कहता है जो वोट नहीं दिया, ऐसे किया वैसे किया, तुम लोगों को घर से नहीं निकलने देंगे, किसी पदाधिकारी को भी कहे यहाँ से वहाँ का जगह, कोई इस पर सुनवाई नहीं कर रहा है। हम लोग अस्थगित होकर घर में बैठे हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं है अभी तक। पीड़ित ग्रामीणों ने कहा कि रास्ता बंद हो जाने के कारण वो लोग अपने ही घरों में कैद हो गए हैं, जिसके चलते उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बालू इतना आले, बालू बंद भए गेले, गाड़ी में ट्रैक्टर आले, ट्रैक्टर बंद क्या दल के कके देखो रास्ता नहीं जा देबो, किया बंद कर दल के रास्ता इलेक्शन खातिर, वोट नहीं कके वोट नहीं दल के, वहां सब वोट नहीं देलियो ओकरा, वोट देलियो कल के वोट नहीं दल के, हार गेले त ओही पहले मार पीट करैले, ओ पमरो मारैले दौड़ले, हमरा देवर के छटका के मारैले दौड़ले, और पूरा रास्ता बंद कर दल के पूरा गांव, हां ठोंठ फाद दे दल के। कितना घर के परिवार रास्ता बंद भए गेले? 25 को। तो केना जाय आबै छी, घरे में बंद रहै छी? नै, ओ बगल दक जाय दे छी, बगल दक जाय छी, बंदे रहै छी। इस मामले में राघोपुर के सीओ जगन्नाथ चौधरी ने कहा कि थाना प्रभारी के द्वारा जांच की जा रही है, जल्द से जल्द बंद पड़े रास्तों को खुलवाया जाएगा। जाने नहीं, जो कि मामला रैयती जमीन का है, उसमें हम लोग कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते। उसको मनाया भी गया, समझाया भी गया, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं हुए। साइड से पगडंडी है जिसको करके बोलो, जाते हैं, चार चक्का नहीं जा सकते। यही मामला, काफी प्रयास किया गया, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अब क्या किया जा रहा है, मनाने की कोशिश अभी भी जारी है या छोड़ दिया गया? नहीं, उसमें थाना प्रभारी बोले थे कि हम अपने स्तर से इसको देखते हैं, अगर होगा तो उसको खुलवाया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी हमको सूचना नहीं। बहरहाल हालातों से जूझते हुए बेबस परिवारों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सुपौल से सुभाष की रिपोर्ट।